अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही सिंपल तरीके से माउथ फ्रेशनर किस तरह से घर पर बनाया जा सकता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसे हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उससे बेहतर घर पर ही काफ़ी आसान तरीके से ये माउथ फ्रेशनर बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। माउथ फ्रेशनर बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह की बारीक वाली सौंफ, यानी कि लखनवी सौंफ भी इसे कहते हैं, उसे ले लिया है करीब 100 ग्राम। यहाँ पर मैंने करीब 3 बड़े चम्मच नींबू का रस ले लिया है, उसे डाल दूँगी। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी ये काला नमक, तो 1 छोटा चम्मच काला नमक है, इसे मिक्स करना है। इसी के साथ डाल देना है धना दाल। धना दाल जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आपने देखा होगा माउथ फ्रेशनर में धना दाल भी एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर ये देखिए, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के लिए आप चाहिए तो 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं, जिससे कि नींबू का रस और काला नमक हर एक दाने पर अच्छे से लिपट जाए। और इसे करीब 5 मिनट के लिए इसी तरह से भिगो कर रख दें ताकि सौंफ में इसका पूरा फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। 5 मिनट बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई एक ले ली है, उसमें डाल दूँगी ये सौंफ और धनिया दाल का मिक्सचर, और इसे एकदम धीमी आंच पर तब तक भूनना है जब तक कि ये पूरी तरह सूख न जाए। एकदम अच्छे से इसे सुखा लेना है। आप चाहिए तो इसमें 25 ग्राम के बराबर, यानी करीब 2 बड़े चम्मच अजवाइन भी डाल सकते हैं, वो भी डाइजेशन में बहुत अच्छी मदद करता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन काफ़ी लोग अजवाइन को चबाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है यहाँ पर। अब इसे इसी तरह से धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इस माउथ फ्रेशनर को बनाने के लिए, महज 10 मिनट में ये माउथ फ्रेशनर घर पे बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर बीच बीच में चेक करते रहें, थोड़ी देर में ये पूरा मिक्सचर पूरी तरह सूख जाएगा, बिल्कुल भी नमी नहीं होगी इसमें। अगर नमी होती है तो ये कलछी में चिपकने लगता है, लेकिन जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा, ये देखिए कलछी में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, यानी कि ये पूरा मिक्सचर पूरी तरह सूख गया है। आँच को बंद करके इस मिक्सचर को कढ़ाई में ही रहने दें ताकि हल्की फुल्की नमी अगर है तो वो भी निकल जाएगी, और उसके बाद हमारा ये जो माउथ फ्रेशनर है ये तैयार हो जाएगा। इसे ठंडा होने के बाद एक एयरटाइट कंटेनर में इस तरह से भर के रख लें तो बहुत ही टेस्टी माउथ फ्रेशनर बनके तैयार है, जो कि डाइजेशन में बहुत मदद करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।